इमाम साहब जरा इस नोट को तो देखें, असली है या नकली। बेटा मुझे तो नहीं पता चलता इसका असली है या नकली है, आप किसी पढ़े लिखे को दिखाएं। वैसे सोचने वाली बात है, इसमें तार तो नजर नहीं आ रही। मुझे दिखाएं इमाम साहब, जब आपको पता नहीं चलता तो आप फजूल में अंदाजा न लगाएं। हाँ हाँ बेटा, आप किसी और को जाके दिखा लें। आज फिर 5 किलो आटा चोरी कर लिया। कहाँ गया ये कथा, फिर से मेरे साथ दो नंबरी तो नहीं कर गया। ओए इधर आ इधर। अच्छा तू यहाँ बैठा है, मैंने तो सोचा था पिछली बार की तरह तू मेरे साथ धोखा कर जाएगा। यार तुम्हें मेरे ऊपर इतबार ही नहीं है, चल आ जा, आटा ले और चले आ जा। अब बाबा आटा नहीं लेके आए। नहीं नहीं बेटा, मैं आटा ले आया हूँ। बाबा आटा। ओ आटा, लगता है यार आटा तो पीछे गिर गया है कहीं। अब शापर भी फटा हुआ है। हाँ हाँ बेटा तुम परेशान ना हो, मैं दोबारा जाके आटा ले आता हूँ। आज जरूर आटा लेके आना। हाँ हाँ बेटा मैं कुछ करता हूँ। सेठ साहब मेरे साथ तो कुछ अजीब हुआ। क्या मतलब, क्या हुआ इमाम साहब? मैं यहाँ से आटा लेकर गया, मैं जब घर पहुँचा तो देखा तो शापर खाली है, उसमें आटा नहीं है। इमाम साहब आटा तो मेरे मुलाजम ने आपको 5 किलो दे दिया था। हाँ हाँ वो तो आपके मुलाजम ने आटा मुझे मेरी आंखों के सामने दे दिया था। इमाम साहब मैं आपकी एक्टिंग समझ रहा हूँ, जो मैंने आपको आटा दिया इसके अलावा मैं आपको कोई और आटा नहीं देने वाला, क्योंकि आपका पहले काफी इधर उधार हो चुका है मेरे पास। सेठ साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन 2 दिन से मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं, मेहरबानी करें आप 5 किलो आटा दे दें। अरे उधर देख उधर, वो इमाम मस्जिद सेठ साहब की मिन्नतें कर रहा है। यार हमें वैसे उसका आटा चोरी नहीं करना चाहिए था। यार तेरी बात तो ठीक है, लेकिन हम चोर हैं, अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। अच्छा यार उए, ये ऐलान लगता है आज कोई फिर फोट हो गया। रहीम बख्श, अबे यार ये वो हमारा दोस्त तो नहीं था? हाँ यार ये तो बहुत नौजवान आदमी था। हाँ यार, वैसे यार बिल्लू सोचने वाली बात है, एक दिन हम लोगों ने भी मर जाना है यार, हम तो अपना दुनिया जहान दोनों खराब कर रहे हैं। हाँ यार तेरी बात ठीक है, हम तो रोज इतनी चोरियां करते हैं। बिल्लू मेरी बात सुन यार, हम ये चोरियां और ये सारे गुनाह छोड़ देते हैं। हाँ यार ठीक है, और जाके इमाम मस्जिद जाके माफी मांगते हैं। हाँ यार आज से नहीं बल्कि अभी से जाके इमाम मस्जिद से भी माफी मांगते हैं, और मस्जिद में जाकर अल्लाह पाक से तौबा करते हैं कि हम आज के बाद चोरियां नहीं करेंगे। चलो यार, और इमाम मस्जिद को जाके 5 किलो के बजाय 10 किलो आटा लेके देते। हाँ यार आ जा। जी भैया। जी जी इमाम मस्जिद साहब, आज जो आपका आटा चोरी हुआ था वो हम दोनों ने ही किया था, पर हमें एहसास हो गया है कि हम आज के बाद चोरियां नहीं करेंगे। है? क्या मतलब, आपने आटा चोरी किया था? मैं तो समझा मेरा आटा गिर गया है रास्ते में। हाँ हाँ इमाम मस्जिद साहब, ये हमने आटा वो जाके बेच दिया था, ये उसके पैसे आप ले लें और हमें माफ कर दें, हम मस्जिद में जाके हमेशा के लिए चोरियों की तौबा कर रहे हैं। हाँ हाँ इमाम मस्जिद साहब हमें माफ कर दें। मैंने आपको माफ कर दिया, अल्लाह ताला आपको माफ करे और अल्लाह ताला आपको सीधा रास्ता दिखाए। मौत आने से पहले सीधा रास्ता इख्तियार कर लो और बुराइयों से तौबा कर लो।